जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि लोक शक्ति आने के बाद अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं करना चाहते हैं, या नहीं होता है ग्रस्त जीवन में। तो क्या चीजें हो सकती है अगर आप अपनी आदतों को नहीं चेंज करते हो या ये नियम नहीं पालन करते हो? तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वह मैं आपको बता सकूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी ये चीज़ों को मैं बता देता हूँ। अगर आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, जो नियम है वो फॉलो नहीं किए शक्ति के, तो आपको क्या परिणाम हो सकते हैं? पहली चीज़, आपकी शक्ति आपसे रूठ सकती है। रूठने का मतलब होता है कि उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर नहीं पनपेगी और वो ऊर्जा कम रहेगी, तो आपके आगे के आने वाले रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं। घर में कलेश, पैसे पानी की दिक्कत, हेल्थ की इशू की, सब रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहेगी। जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र से ही होता है। तंत्र मंत्र एक भयानक चीज होती है। तंत्र मंत्र से ये होता है कि इंसान की पूरी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, वो भी अचानक से, कुछ ही विधि में या कुछ ही दिनों में। जो शक्तियाँ होती है वो आपको बार बार संकेत देती है कि बेटा सुधर जा, बेटा सुधर जा। इसलिए आपको बार बार क्या होता है कि आपको सपने आते हैं, क्लियर दिखता है, फिर बाद में वापस सपने आने बंद हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाता है, तो आप बेचैन हो जाते हो और परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आपको अपनी आदतों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें अपनी सुधारनी पड़ेगी, तब जाके शक्तियाँ आपके साथ पूरी खुश होंगी, तब जाके वो अपनी शक्तियाँ आपको देंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, सनातन में सब लोग करते हैं, लेकिन सवारी किसी किसी के ऊपर ही क्यों आती है? क्यों जन कल्याण कर पाते हैं ये जरूरी सोचना, क्योंकि वह अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जो लोग अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, मजबूत हो जाते हैं, वही आगे का काम, जन कल्याण का काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक तपस्या है। आदतें कौन कौन सी है वो सुन लो, और क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको पकड़नी है, कोशिश करूँगा सब बताने की। पहले तो चीज़ ये है कि अगर शक्ति आनी शुरू होती है तो वह आपको अंदर से आवाज़ लगाती है, अंदर से आपको गाइड करती है। पहला आपको पहले अकेला करती है, पहले अकेले हो जाओ। अकेले होने का मतलब है कि दिन में एक घंटा, दो घंटा शांति से किसी ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर तुम्हारे अंदर क्या चल रही है, तुम्हारे कान तक उसकी आवाज़ आए, तुमको सुनाई देना शुरू हो जाए। ये एक दिन का नहीं होता है, ये एक साल का भी नहीं होता है। हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, या 2 दिन भी लग सकते हैं, है ना? डिपेंड ऑन शक्ति टू शक्ति। तो आपको शक्ति क्या बताना चाह रही है? पहली चीज है थोड़ा सा अकेले हो जाओ। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी आदत है, अगर आप जॉब में रहते हो, 4 लोग आपसे बात करते हैं, 4 लोग के साथ आप लंच शेयर कर रहे हो, या आप ग्रस्त जीवन में हो, 4 लोगों के साथ आप खाना खा रहे हो, 4 लोगों के घर पे जाके आप खाना खा रहे हो, 4 लोगों को आप अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हो, बिल्कुल बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आप अभी अनुभव कर रहे हो ना, ये उससे भी कम से कम हजारों करोड़ों गुना होती है। ये कुछ भी नहीं हो रहा है आपके साथ, क्योंकि बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि नहीं मुझे तो पड़ोसियों का पता चल रहा है, नहीं मुझे तो अपने रिश्तेदारों का पता चल रहा है,
वो कुछ कर रहे हैं। तो मैंने उनको जाके बता दिया कि आप ऐसे मत करना, ऐसा नहीं होता, शक्ति को आने दो ऊपर अच्छे से, तब जाके आप बताना शुरू करना। सब छोड़ दो, चुगली करना, पंचायत करना, ज़्यादा बातें करना, अपने बारे में ज़्यादा करना, ये सब कुछ छोड़ दो कुछ समय के लिए। ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपकी देवी शक्ति सुधारना शुरू हो जाएगी। आपको पहले 1% आपको पहले एक कदम उठाना है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के अंदर ईगो है, ईगो का मतलब होता है कि जैसे आपने सुना होगा कोई आपसे बात करता है तो वो बोलता है कि नहीं मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, नहीं मेरे ऊपर तो शक्ति है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ शक्ति है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, ये रियल है। लेकिन अगर आपके वॉइस में बहुत ज़्यादा मैं आता है, घर में आप झगड़ा कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर मैं है, ईगो है, ऑफिस में आप झगड़े कर रहे हो, कहीं पर भी आप झगड़े कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ है क्योंकि ये ईगो आपको कवर कर रहा है, ईगो आपको पूरा का पूरा कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर आपको जब भी शक्ति आ रही है आपको शांत स्वभाव में रहना है। चाहे कितनी भी चीज़ें गलत हो रही हो लाइफ में, शांत रहो, कुछ टाइम दो शक्तियों को, वह शक्तियाँ खुद ठीक करेंगी, उन्होंने खुद चॉइस किया आपको, आपको क्या करना है, उनका काम नहीं खराब करना है, आपको शांत रहना है बस। सही मौका आने का, सही ग्रह नक्षत्र आने का इंतज़ार करना है क्योंकि कभी कभी शक्ति आने के बाद आपके ग्रह नक्षत्र बहुत उल्टे सीधे हो जाते हैं, वहाँ से भी आपको ग्रह कलेश और बाधाएं आती हैं, तो उसको भी ठीक करने में शक्तियों को समय लगता है। शक्ति आपके लिए पूरे नियम को नहीं बदल सकती, वह नियम से चल सकती है और आपको जो चीज़ चाहिए वह दे सकती है और वह ये होता भी है, लेकिन अपने आप को तपस्या में लाना पड़ता है। शक्ति आने के बाद जो लोग मंदिर नहीं जाते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, तो अपनी आदत सुधार लो, पूजा पाठ करना शुरू कर दो, कभी कभी मंदिर घुमाओ, कभी कभी क्या जितना हो सकता है जाया करो, इससे क्या होगा चक्र जल्दी खुलेंगे, जल्दी इंट्यूशन पावर मिलेगी, आपकी शक्ति और ज़्यादा जल्दी चलेगी। तो एटलीस्ट कम से कम आसपास में जो भी मंदिर है ना वहाँ पर जाना शुरू कर दो, बाकी देवी शक्तियाँ खुद देख लेती हैं कि कब तुमको कहाँ बुलाना है। ठीक है, अपने अंदर से आ रही आवाज़ को कभी भी इग्नोर मत करो, सपने जो आ रहे हैं उनको इग्नोर करने की अगर आपको आदत है तो मत करो, क्योंकि कुछ सपने एक तो आपके माइंड के आते हैं और कुछ सपने आपको सच में इंट्यूशन पावर या आपकी शक्तियाँ आपको देती हैं। आप किसी फलाना व्यक्ति से मिलकर आए हो और उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी एनर्जी थी जो आपके साथ आ गई, वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी सपने में, तो आपको अवॉइड नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा उस इंसान से मिलना कम कर दो, अभी तुम वीक हो इसलिए, क्योंकि इसलिए तुमको दिखाया जा रहा है। तो कभी भी अगर आपको सपने में दिखाया जा रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में है, बाहर है, या दोस्त पे है, किसी रिश्तेदार पे है, तो उससे कुछ समय के लिए दूरियां बना लो। ठीक है, अगर आपकी आदत है कि आप बार बार किसी मंदिर में जाके टीका लगवाते हैं, अगर आपकी आदत है बार बार आप किसी के भी हाथ का दिया हुआ कुछ भी खा लेते हैं, अगर आपको आदत है किसी के घर में जाके पानी पी के वहाँ पर गिलास छोड़कर आ जाते हैं या आधा पानी वहाँ रख के आ जाते हैं, अगर आपकी आदत है आप किसी पर इजीली ट्रस्ट करने लग जाते हो, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी के ऊपर, तो ये आदतों को तुम सुधार लो, क्योंकि शक्ति आने के बाद आपको वहाँ पर अपने नियम टाइट करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा एज अ कंपेयर
आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो शक्ति आने के बाद। ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं होते हो, लेकिन एक बुद्धू की तरह इमोशनल होना और एक साइकोलॉजिकली की तरह, मतलब आप रिएक्ट करो, वह दोनों चीज़ें में डिफरेंस है। कोई कल को तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास जितना बैंक बैलेंस है मुझे दे दो, क्योंकि मेरे घर में खाने को नहीं है, तो आप नहीं दोगे। वहाँ पर आपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पैसे दे दूंगा तो मैं कैसे जीऊँगा, कैसे जीऊँगा, मैं अपनी फैमिली कैसे पालूँगा। उसी प्रकार जब आप अपनी शक्ति किसी और को देकर आ रहे हो तो आपका शरीर कैसे चलेगा, आपके आगे के काम कैसे बनेंगे। तो वहाँ पर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और वहाँ पर आप इमोशनल हो जाते हो। चलो कोई सामने वाला हमको खाने के लिए तो पूछ रहा है ना, खा लेते हैं, कोई पानी ही दे रहा है ना, पी लेते हैं, कोई गिफ्ट ही दे रहा है ना, ले लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को टटोलने जाओगे अंदर से, तो एक क्वेश्चन जरूर पूछना कि क्यों खाया मैंने, क्या मेरे घर में खाने की कमी थी। अब उसने सामने वाले ने मुझ पर क्रिया कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पता कर लिया कि मेरे ऊपर देवी देवता की शक्ति आ रही है और अब वो शक्ति कंट्रोल हो गई। तो आपके अंदर से ये चीज़ बार बार आएगी कि क्यों खा लिया, तो इससे अच्छा है तो पहले ही एक्शन ले लो, मत खाओ, मत बताओ किसी को, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं, शक्ति आने के बाद अपने कर्म करना ही बंद कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास, बोलते हैं हमारे पास शक्ति चल रही है, हमसे जॉब नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर शक्ति चल रही है, हमसे बिजनेस नहीं हो रहा है, कि जो कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा जॉब चल रहा है। मैं उनको समझाता हूँ कि अभी ये जो चीज़ आप कर रहे हो वो आप ही की शक्ति की देन है, आप नहीं छोड़ सकते हो। कब तक नहीं छोड़ सकते? जब तक आपको कोई दूसरा रास्ता शक्ति नहीं दिखाती है, तब आप अपने जॉब पर फोकस करें, अपने काम धंधे पर ध्यान दीजिए। ऐसा कोई भी साधक नहीं है, ऐसा कोई भी नियति का, एक भगवान है, वो अलग चीज़ है। जो आपके नियम, जो आपके कर्म में बांधा हुआ है ना, वह तो होना ही है, वह तो करना ही है। आप लोग क्या करते हो, शॉर्टकट अपनाते हो, रास्ता ले लेते हो और शक्ति चल रही है, हम जॉब नहीं करेंगे, हम जन कल्याण करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले शक्ति को आने तो दो, उसको बताने तो दो, आपको लायक बनाएगी, चार लोगों के बीच में आपको लायक बनाएगी वो, तो तब तक आपको जो करना है ना, काम दिया गया वो करो। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप यहाँ वहाँ ढूंढते हो कि कोई मंत्र, कि मुझे कोई मंत्र मिल जाए जिससे मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, कोई मुझे मंत्र मिल जाए, या कोई मुझे गुरु मिल जाए, या कोई मुझे शिष्य बना ले, अगर आप पागल हो चुके हो इस चीज़ में, तो ये आदत अपनी सुधार लो। क्योंकि अगर शक्ति को चाहिए कि आप गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, या आपको गद्दी लगवाएगी जन कल्याण के लिए, तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद आपको भेज देगी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपका काम होगा ही होगा 110%, ठीक है। तो जब आप ढूंढना बंद कर देते हो बाहर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना एक ठहराव आ जाएगा, एक समझदारी उत्पन्न होगी। तो ढूंढना बंद कर दो, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप मानते हो इष्ट देवता, उसी को मान के चलो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर परिवार में किसी के ऊपर नेगेटिविटी क्रिया है या तंत्र मंत्र हुआ है, और आपकी शक्ति आपको बार बार सपने में गाइड कर रही है कि फलाना व्यक्ति के ऊपर क्रिया है, तो उसके साथ खाना खा रही है, और या तो उसके साथ घूम रही है, या उसके साथ तू टाइम स्पेंड कर रही है, तो मत कर, तो आपको वह आदतें सुधारने पड़ेगी।
आप वो काम नहीं कर सकते अगर आप शक्ति के विरुद्ध जा रहे हो, तो इसमें आपका ही नुकसान है। आते हैं मेरे पास बहुत लोग, बोलते हैं 20 साल से हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम फलाना चीज़ों का जाप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि शक्ति तो बहुत पहले से इनके साथ चल रही है, लेकिन इनके कान बंद है, इनकी आंखें बंद है शक्ति को लेकर। क्यों? क्योंकि वह सुनना ही नहीं चाहते। वह वही चीज़ सुनना चाहते हैं जो सुनने में उनको अच्छा लग रहा है, जो उनको मज़ा आ रहा है, वह वही चीज़ों को सुनना चाहते हैं। तो शक्ति की गलती नहीं है, शक्ति तो आपको बोल रही है कि फलाना व्यक्ति से दूर रहो। आपको वहाँ से धोखे भी मिल रहे हैं, आपको वहाँ से गालियाँ भी पड़ रही हैं, फिर भी आप उन्हीं के घर पर जाकर खाना खा रहे हो, तो उसमें शक्ति लुकआउट नहीं है। तो शक्ति तो आई है इसलिए तुमको सर्वगुण संपन्न कर सके, ऐसा काबिल बना सकेगी, चार लोगों के साथ तुम बात कर सको, चार लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया शक्ति के साथ, अगर आपने जबरदस्ती कोई मंत्रों का जाप नहीं करा, तो मैं बोल रहा हूँ तो ये सारी आदतें सुधार लो। और सबसे बड़ी चीज़ है मोह माया। अगर आप शक्तियों के साथ चल रहे हो लेकिन फिर भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा भौतिक लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपके अंदर, कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड फ़ोन चाहिए, मैं आईफोन के बिना मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे दुनिया को दिखाना है मैं कितना शक्तिशाली हूँ या कितना मेरे अंदर पावर है, मैं तांत्रिकों से भिड़ना चाहता हूँ, मैं गुरु से भिड़ना चाहता हूँ। छोड़ दो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, उल्टा आपका लॉस है। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो बेचारे रो रहे हैं 40 साल से, बस इसलिए क्योंकि कोई ना कोई क्रिया उनके ऊपर कर दी जाती है, इसलिए कि उनके ऊपर कभी शक्ति चल रही थी और उन्होंने अपनी शक्ति के बाद नहीं सुनी और उन्होंने झगड़ा मोल ले लिया तांत्रिकों से। लो, ऐसा नहीं है, मत लो, गुरु के सानिध्य में आ जाओ, फिर लो जिससे पंगा लेना है, क्योंकि तुम्हारा भी गुरु अव्वल होना चाहिए लड़ने के लिए। क्षेत्र मैटर करता है भाई, ठीक है ना। जब तुम्हारा गुरु सक्षम होगा तो तुमको पाताल में से भी ढूंढकर लेकर आ जाएगा, अगर तुम कहीं भी चले गए हो तो गुरु पर डिपेंड करता है कि आपके गुरु कैसे हैं। अच्छे जब तक गुरु का नहीं चुनाव हो रहा है तो चुपचाप घर में बैठो, जो कर्म दिए गए हैं अपने कर्मों को सुधारो और अच्छा करो, और आदतों को सुधारो, स्वभाव में वृद्धि करो, तब जाके आप कहीं कहलाओगे कि आप हनुमान बाबा के या माँ काली के बच्चे हो। अदरवाइज दुनिया में, ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है, बहुत सारी ऐसी आत्माएं भटक रही हैं जिसको शरीर चाहिए। तो आप लाइन में लगे हुए हो, आपको अच्छा बनना है, हनुमान जी का लाडला बनना है या माँ का लाडला बनना है, बाबा का एकदम दूध, एकदम जो बोलते हैं ना शुभ चिंतक, एकदम बच्चों की तरह प्यार करे वो, अगर आपको ये चाहिए तो आपको उतनी तपस्या और मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब तक कर्म अच्छे नहीं करोगे, चाहे कितने भी मंत्रों का जाप कर लो, आगे का रास्ता नहीं मिलता है, ये गारंटी है। पूरी जिंदगी लगा लो, दूसरा जन्म फिर से लेकर आ जाओ, जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें मैंने आपको समझा दिया जो भी आपको मोटा मोटा समझाना चाहिए था। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।